सबसे पहला जो हम लोग लोकल विंड देखेंगे तो वो है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ठीक है। तो लैंड का मतलब वो जो ओशन जहाँ भी मतलब तुमको क्या होता है ओशन पास में होता है, ठीक है। मुंबई में जैसे देखते होगे कि शाम में हवा चल रही है फिर दिन में हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता, उसका कारण क्या होता है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो इसमें क्या है कि जब दिन का समय होगा तो कौन जल्दी गर्म होगा, जमीन, तो लो प्रेशर बन जाएगा, लोकलाइज्ड लो प्रेशर बनेगा, उसके कारण समुद्र से क्या होगी दिन के समय में हवा चलेगी, तो सी ब्रिज चलेगा कब, दिन के समय में, और लैंड ब्रिज जस्ट उल्टा, उसका उल्टा क्या होगा, जैसे ठंडा होगा रात होगा क्या होगा, समुद्र तो फिर भी टेम्परेचर मेंटेन किया रहेगा, जमीन क्या होगा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, और उसके कारण से क्या होगा जमीन से हवा चलेगी समुद्र के साइड। तो इस यही जो दिन भर दिन के अंदर ही हवा का डायरेक्शन क्या हो गया जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये है लोकल विंड, कौन सा, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, ठीक है। तो सी ब्रिज जो होगा वो दिन के समय चलेगा और मॉइस्ट होगा, समुद्र से आ रहा है मॉइस्ट होगा, ठीक है। एज कंपेयर टू इट क्या होगा लैंड ब्रिज जो होगा वो क्या होगा ड्राई होगा और रात के समय चलेगा, क्लियर है। एक जनरली ऐसा देखा गया कि सी ब्रिज इज मच स्ट्रॉन्गर देन लैंड ब्रिज, ठीक है, सी ब्रिज इज मच स्ट्रॉन्गर देन लैंड ब्रिज, चलो ठीक है ये हो गया। दूसरा हम लोग माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज पढ़े थे बट फिर से उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो रात के समय क्या बात किए थे, रात के समय क्या होता है ऊपर जल्दी ठंडा हो जाता है कि नहीं, और उसके कारण क्या होता है रात के समय क्या होता है माउंटेन ब्रिज चलता है, मतलब माउंटेन टॉप से रात के समय में क्या होता है हवा चलता है जो कि क्या होता है नीचे की ओर आता है, क्यों, क्योंकि वेट ज्यादा होता है जल्दी ठंडा हो गया इस कारण से ग्रेविटी के अंदर आता है। तो इस विंड को बोलते हैं माउंटेन ब्रिज, बोलो कैटाबैटिक विंड बोलते हैं, के ए टी ए कैटाबैटिक विंड, तो कैटाबैटिक विंड या माउंटेन ब्रिज जो होता है वो कब चलता है रात के समय चलता है। इट कॉजेस टेम्परेचर इन्वर्जन, इसके कारण क्या होता है जमीन पे फ्रॉस्ट हो जाता है और ऊपर फ्री रहता है जबकि ठंडा कर रहा है, मेन सोर्स कौन है ठंडा करने का टॉप, बट फ्रॉस्ट कहां जमता है वैली में और टॉप क्या रहता है फ्रॉस्ट फ्री रहता है क्योंकि ऊपर से हवा नीचे आया, नीचे का गर्म हवा ऊपर चला गया, तो जो ठंडा मेन कर रहा है वो फ्रॉस्ट फ्री रहता है और नीचे वैली में फ्रॉस्ट जमता है। यही कारण बोला जाता है कि वैली में रहने से ज्यादा अच्छा है पहाड़ पे, इसलिए लोग ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो क्या हम बात किए माउंटेन ब्रिज को कैटाबैटिक विंड भी बोलते हैं, नाइट टाइम में चलता है, इट कॉजेज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इट कॉजेज फ्रॉस्ट इन द वैली व्हाइल अपर पार्ट्स आर फ्री फ्रॉम द फ्रॉस्ट, क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखोगे वैली ब्रिज दिन के समय में क्या हो जाएगा, जमीन ज्यादा गर्म होगा, ऊपर तो टेम्परेचर कम होता है, तो जब गर्म ज्यादा हो जाएगा तो नीचे से हवा क्या होगा ऊपर उठेगा, ठीक है, नीचे से हवा क्या होगा ऊपर उठेगा, इसको एनाबैटिक विंड बोलते हैं। तो दिन के समय गर्म होके हवा ऊपर उठेगा और इसको एनाबैटिक विंड बोलते हैं, तो हवा जो ऊपर उठेगा एज कंपेयर टू मतलब अदर थिंग, ये क्या होगा क्यूमुलस क्लाउड बना के प्रेसिपिटेशन भी कर सकता है। नेक्स्ट लिखो लोकल विंड में जो फेमस है चिनूक, यूएसए लिख लो साथ में, और स्विट्जरलैंड लिख लो, ये दोनों विंड क्या है कि लीवर्ड साइड के विंड है, माउंटेन के लीवर्ड साइड के विंड है। तो जब भी कोई हवा
जैसे ये क्या है रॉकी से नीचे उतरता है, तो क्या होगा जब ऊपर जाएगा कुछ प्रेसिपिटेशन प्रेशर किया, फिर जब नीचे उतरेगा तो क्या होगा गर्म हो जाएगा, कोई भी हवा जब नीचे आएगा तो क्या होगा गर्म हो जाएगा, और गर्म जब हो जाएगा तो ये जब विंटर के टाइम में आता है ठीक है, तो क्या कर रहे तो स्नो ईटर, इन दोनों को मतलब मीनिंग क्या होता है स्नो ईटर, तो यहां पे इन एरिया में जो फ्रॉस्ट जमा रहता है उसको अचानक से ये लोग क्या करता है पिघला देता है, इसलिए इसको स्नो ईटर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि तो माउंटेन के लीवर साइड में जब हवा नीचे उतरेगा तो क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा, फ्रॉस्ट जमा हुआ है इन जनरल, तो क्या होगा उसको फ्रॉस्ट को ये पिघला देगा और तुम्हारा एग्रीकल्चर सीजन स्टार्ट हो सकता है एक तरह से, ये वहां के मतलब फार्मिंग वर्मिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये कैसे, ये दोनों हवा कैसी है, वार्म है ड्राई है, ब्लोज इन द माउंटेन्स लीवर्ड साइड एंड दे आर स्नो ईटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हरमटन, इसको डॉक्टर भी बोलते हैं, यही कहा चलता है, यही कहा चलता है, ये अफ्रीका में अब गुनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GUINEA गोयना जो भी बोलो, गोयना ही हम लोग बोलते हैं, चलो गोयना में चलता है। होता क्या है कि अगर तुम इक्वेटोरियल रीजन में देखोगे तो क्या होता है कि बड़ा मॉइस्ट और गर्म मौसम होता है, मतलब गर्मी भी ज्यादा रहेगी और मॉइस्चर भी ज्यादा रहेगा, इस कारण से क्या होगा तुम परेशान हो जाओगे। ये क्या है अफ्रीका को अगर तुम देखो तो इक्वेटर कहीं यहां से गुजरता है, देखो मैप खोलो, इक्वेटर कुछ यहाँ से गुजरता है, यहाँ के आसपास गोयना है, तो होता है कि सहारा के एरिया से नॉर्मल ट्रेड विंड चलाओ, नॉर्मल ट्रेड विंड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो जब नॉर्मल ट्रेड विंड चलेगा सहारा से तो कैसा होगा वार्म होगा, सहारा से चल रहा है तो क्या होगा ड्राई होगा, साथ में क्या होगा रेत वेत कैरी किए हुए रहेगा, ठीक है। तो ये हरमटन जो है वार्म एंड ड्राई विंड है जो सहारा से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से चलता है, तो अब क्या है कि यहां पर क्या है उमस है बहुत ज्यादा और गर्मी बहुत ज्यादा है, बट जब ये विंड आता है इस एरिया में ऑफ द सोर बहता है तो क्या होता है इस एरिया के लोगों को राहत मिलता है, गर्म तो पहले से था, गर्म तो इक्वेटर है तो गर्म तो है ही, बट एटलीस्ट उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, तो जो ह्यूमिडिटी के कारण तुमको गर्मी एक्स्ट्रा लगता है, ह्यूमिडिटी देखो एक ड्राई हीट और एक ह्यूमिड हीट सेम टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिड तुमको ज्यादा गर्म लगता है, क्यों सिंपल है क्योंकि हाँ क्योंकि पसीना तुम्हारा इवेपोरेट नहीं, तो इसमें क्या होता है हरमटन जब आता है तो क्या होता है तुम्हारा ह्यूमिडिटी खतरनाक रूप से डिक्रीज हो जाता है, और जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है तुमको राहत महसूस होता है, तुमको लगता है ठंडा होगा, है नहीं ठंडा होगा लेकिन तुमको लगता है ठंडा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको डॉक्टर भी बोलते हैं हरमटन, क्लियर है, क्लियर है सबको हरमटन। नेक्स्ट लिखो सिरोक्को, SIROCCO, ये देखो ये बनाई हुई है, तो ये सहारा है, यहां पे मेडिटेरेनियन सी है, यही मेडिटेरेनियन सी में इटली और यहां पे स्पेन है ना। अब क्या होता है ये सिरोक्को क्या है, ये विंड है
जो वार्म और ड्राई है जो कि चलती है सहारा से, तो अपने साथ इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं। देखो ब्लड रेन करता है बट अगेन चलो ठीक है, ये विंड जो अपने साथ चलता है सहारा से, ठीक है, गर्म होगा और ड्राई होगा, साथ में धूल उल लेके सहारा का चलेगा, रेड सैंड वगैरह लेके चलता है, थोड़ा सा मेडिटेरेनियन क्रॉस किया तो थोड़ा सा क्या कैच कर लिया, मॉइस्चर कैच कर लिया, और इधर इटली उटली में तो पहाड़ वहाड़ तो है ही, इटली और स्पेन में जाके ये सब क्या करता है, बारिश कर देता है, ठीक है। तो ये बारिश करता है तो ब्लड रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लाल पानी गिरता है, तो लाल पानी कुछ नहीं, वो सिंपल सा क्या है, ये जो मॉइस्चर कैरी किया है एट द सेम टाइम जो बालू कैरी कर रहा है, जो रेड डस्ट पार्टिकल कैरी कर रहा है, उसके कारण वो ब्लड जैसा दिखता है बट ब्लड नहीं है, ठीक है। ये हरमटन ने सिरोको क्या हो गया, वार्म ड्राई एंड डस्टी नॉर्दर्ली डायरेक्शन सहारा से चलता है, मेडिटेरेनियन में क्या होता है, मॉइस्चर कैप्चर करता है, इटली और स्पेन में जब रेन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड रेन बोलते हैं बिकॉज ऑफ रेड सैंड। तो ये विंड है तुमको कौन सा, सिरोको, हो गया क्लियर है। नेक्स्ट लिखो मिस्ट्रल, तो सिरोको वार्म है, हरमटन वार्म है, हरमटन का खासियत क्या है, लेस ह्यूमिडिटी जिसके कारण कि रिलीफ पहुंचाता है, ठीक है। चिनूक वार्म है, फोन वार्म है, ये दोनों स्नो ईटर है, एक स्विट्जरलैंड का है और एक यूएसए का है, तो प्रेरीज के ग्रोथ में ये सब का, इसका चिनूक का बहुत है, और रॉकी से ये नीचे आता है। तो मिस्ट्रल जो है एज अपोज, अभी तक जितना पढ़ा सब क्या था वार्म था, मिस्ट्रल एज अपोज थी कोल्ड विंड, मिस्ट्रल क्या है, कोल्ड विंड है, और ये स्पेन और फ्रांस में बहता है। मिस्ट्रल क्या है, कोल्ड विंड है जो कि स्पेन और फ्रांस में बहता है, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर बहता है, और ये जो रोन वैली है, आर एच ओ एन ई, रोन वैली में क्या होता है, फनलिंग इफेक्ट आ जाता है, क्या होता है, रोन वैली आगे जाते जाते सकरा होते जाता है, विंड घुसता है और उसके बाद इस वैली से जब स्पीड में बहता है तो और स्पीड उसकी क्या होती है, बढ़ती जाती है, और इसके कारण से क्या होता है कि ये एकदम एक तो स्पीड तेज है, ठंडा है, तो ये फसल के लिए बहुत डेंजरस है, तो खास करके उस सब एरिया में क्या होता है, वाइन वाइन बहुत होता है, विनयार्ड के लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिस्ट्रल, रोन, आर एच ओ एन ई, रोन वैली, नैरो रोन वैली से फनल की तरफ फनलिंग इफेक्ट हो जाता है जिसके कारण उसका स्पीड और बढ़ जाता है, तो कोल्ड है, स्पीड वाला है, क्लियर है। इसके साथ कुछ कुछ और विंड का नाम आएगा क्योंकि तुम लोग जब क्लाइमेट वगैरह या जो जो पढ़ते जाओगे, किताब पढ़ोगे तो अपने आप आएगा, तो लिख सकते हो, बट ये सारे इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं जो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है, रोक देना हमें।